नारनौल के बस स्टैंड पर एक अजीब और गरीब मामला देखने को मिला। एक कलयुगी पिता ने अपने दूध पीते बच्चे को बस के सामने फेंक दिया। गनीमत रही कि कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और साथ ही साथ उसको नारनौल की महावीर चौकी में लेकर आए हैं। आपको यह भी बता दें कि यह युवक सुरेंद्र शराब के नशे में चूर है। हमने इसके गांव के सरपंच से बातचीत करनी चाहिए तो सरपंच ने भी यही कहा कि यह युवक शराब का आदि है और नशे की किस्म का आदमी है। बहरहाल पुलिस भी अभी असमंजस में है कि इस युवक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। आखिर ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कलयुग में हर चीज संभव है। आज नारनौल से आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। आइए दिखाते हैं आपको वह मामला। जनाब आखिर इसे कलयुग ऐसे ही नहीं कहा जाता। अक्सर आपने सुना होगा कि जवान बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया या उनकी सेवा नहीं करता, लेकिन आज इसके विपरीत नारनौल से एक मामला सामने आया है। एक माँ ममता की मूरत होती है तो वही पिता परमेश्वर का रूप होता है, लेकिन कहते हैं ना जनाब यह कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव है। आपको एक कहानी दिखाते हैं जिसमें कलयुगी पिता परमेश्वर नहीं बल्कि हैवानियत और शैतानी दिमाग के चलते अपने लगभग 3 वर्षीय बच्चे को बस के सामने फेंक देता है। यह सारी घटना नारनौल के बस स्टैंड के पास की है। अब जरा गौर से इस मासूम को देखिए। इस मासूम क्या कसूर है जिसने इस दुनिया को अभी सही तरीके से जाना तक नहीं। उसी बच्चे को लेकर कलयुगी पिता जो कि पास के गांव बलाहा कलां का रहने वाला है और शराब के नशे का आदि है। इस युवक के बारे में जब हमने गांव के सरपंच से दूरभाष पर बात की तो उसने बताया कि इसकी घरवाली इसको छोड़कर चली गई है और यह शराब के नशे का आदि है। घटना स्थल पर मौजूद प्रवीण नामक युवक ने कहा कि इस युवक ने अपने बच्चे को बस के सामने फेंका था और हमने बच्चे को बचाया और युवक को यहां महावीर चौकी ले आए हैं। हालांकि हमने कोई पुलिस को शिकायत नहीं दी है, लेकिन आज तो हमने बच्चे को बचा लिया, लेकिन आगे भी यह युवक ऐसा कर सकता है, इसलिए प्रशासन को इस युवक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे जिला पार्षद विनोद यादव उर्फ भील भाई ने महावीर चौकी पहुंचकर कहा कि यह युवक नशे का आदि है और मैं इस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जा रहा हूं और इसकी दादी के पास छोड़ दूंगा। वहीं पार्षद साहब ने भी प्रशासन से अपील की है कि इस युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज तो हमने बचा लिया, आगे भी यह युवक ऐसी हरकत कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस असमंजस में है कि आखिर बिना शिकायत के इस युवक पर क्या कार्रवाई करें। बहरहाल एक कलयुगी पिता की इस करतूत से यह साबित कर दिया कि शराब इंसान को शैतान बना ही देती है। सर मैं विनोद यादव जिला पार्षद। सर आज क्या मामला, आप महावीर चौकी आए? मेरे पास महावीर चौकी से फोन आया था अपने भाई विक्रम डॉक्टर साहब का। अब ऐसे ऐसे गोद बड़ा ऐसे कोई है, दारू भी रखी है, एक उसके साथ में छोटा बच्चा है। मैं भाई को बोला डॉक्टर साहब को मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, बच्चे की वजह से मैं तुरंत अभी आ रहा हूँ आपके पास। मैं यहाँ आके देखा एक 2.5-3 साल का बच्चा है, वो उसने दारू पिला के उसके पापा ने, और वो शिवलाल का लड़का है सुरेंद्र, और मैं इस बच्चे को लेके जा रहा हूँ, इसकी दादी को मैं वहाँ दादी के पास पहुँचा दूँगा। तो सुनने में है कि इस बच्चे को बस के सामने फेंका गया है? हाँ मैंने यहाँ सुना है, यहाँ के मेरे को लोगों ने बताया कि ये जो है ना सुरेंद्र, इस बच्चे को बस के आगे फेंक रहा था। आगे प्रशासन से कोई कार्रवाई की मांग करते हैं के खिलाफ? हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ उसके सुरेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कल और कुछ कर देगा इस बच्चे के साथ? आज तो हम बचा रहे हैं भाई, आज तो ये जो थे इन्होंने बचा दिया, आगे क्या पता फिर कर देगा वो। तो छोटा बच्चा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कुछ पे कार्रवाई करी जाए। मैं प्रवीण नीरपुर से। सर आज गए कैसे गए, क्या वारदात हुई? करीब एक बंदा आया था शाम को, शराब पी रखी थी, वो अपने बच्चे 3 साल का बच्चा था, वो उसने बस के सामने घेर लिया। कई बंदे थे उन्होंने बचाया, वो अब महावीर चौकी में लेके आए। आपने पुलिस में लिखित शिकायत दी? नहीं मैंने तो नहीं दी। आगे आप प्रशासन से क्या मैं तो ये गुहार करूँ जी, आके कल फिर फेंक कर वो तो हमें बचा लियो, हम हमेशा रोज थोड़ी साथ देंगा। बाकी प्रशासन की जिम्मेवारी से या तो यह के खिलाफ कोई कार्रवाई करे खड़ी, जो कल फिर मारा को आज मरते मरते हमने बचाया इसको।